वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में इंडी गठबंधन का सूपड़ा साफ हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस नौकरी के बदले जमीन लेने वालों के साथ है। राहुल गांधी को आप लीजिए गंभीरता से, हम लोग नहीं लेते। तो आप बोलिए, रोज तो उनका जवाब देने की जरूरत नहीं है ना। आज वंदे भारत गरीब के लिए है कि नहीं, आज शताब्दी गरीब के लिए है कि नहीं, आज रेलवे का विकास कर रहा है कि नहीं, कल कितने जगह मोदी जी ने उद्घाटन किया बिहार के लिए। मैं तो पूछूंगा क्या क्या काम किया कांग्रेस पार्टी ने, बता दे। तो वहां तो जो उनके साथ खड़े हैं, नौकरी लो जमीन दो, ये पॉलिसी है क्या? तो बीजेपी ने जो 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उनमें महिला उम्मीदवारों की अच्छी खासी जगह दी गई है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर 2024 के लिए बीजेपी के बिग पिक्चर क्या कुछ है, आप ये समझिए। 195 उम्मीदवारों की लिस्ट में 28 महिला उम्मीदवारों के नाम है। इतना ही नहीं, 195 उम्मीदवारों के हिसाब से पहली लिस्ट में 14% महिलाओं को बीजेपी ने मौका दिया है। और ये उन महिला उम्मीदवारों के नाम है जिसमें स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी और साध्वी निरंजन ज्योति से लेकर सरोज पांडे, बांसुरी स्वराज के नाम शामिल है। हालांकि बंगाल से बात करें यानी कि सिंहभूम से जो है गीता कौड़ा को दिया गया है। हुगली की बात करें तो लॉकेट चटर्जी को मौका दिया गया है। दूसरी तरफ दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में कमलजीत सहरावत के अलावा असम से, आप देखिए असम से भी बिजुली कलिता मेधी, और गुजरात में डॉक्टर रेखा बेन हितेश भाई चौधरी के नाम शामिल है। तो ये महिलाओं की लिस्ट आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी के पहले लिस्ट में जो है महिला सशक्तिकरण किस तरीके से देखने को मिला। हालांकि पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी बात लगातार कहती हुई आई है कि हमारा फोकस युवाओं और महिलाओं पर है, और इसीलिए ये कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग कि महिलाओं को आगे रखा जाए। लेकिन लोकसभा की 195 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद बीजेपी में महिला कार्यकर्ताओं में जोश है। जयपुर की बात करें, वहां महिलाओं ने बीजेपी के चुनाव व्रत के साथ साथ प्रचार की शुरुआत कर दी। जयपुर की बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का पहली लिस्ट पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सीधे ले चलते हैं जयपुर। बड़ी उम्मीद है, आप देखिए कि महिलाएं यहाँ पर सबसे आप तैयारी के साथ में, कैंपेन की तैयारी के साथ में पूरी तैयारी है। तो आप देखिए कि पूरी तैयारी के साथ मोदी जी के लिए 2024 मोदी सरकार। तो आप देखिए कि महिला शक्ति तैयार है यहाँ पर 400 पार के नारे के साथ में। ये जयपुर में आगाज हो चुका है यहाँ पर, हर मोदी 400 पार। सबसे ज्यादा महिलाओं को सम्मान मिला है और मोदी जी सबसे ज्यादा महिलाओं के बारे में सोचा है, और आज विभिन्न प्रकार के योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आगे भी किया है। और ये महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं मोदी जी ने चालू करी है, देश की और गरीब से गरीब जनता तक उसका लाभ पहुंचा है। जीवन तो आप देखिए कि तो चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है, सबसे पहले महिला शक्ति आगे आई है और अब घर घर जाएगी, कैंपेन करेंगे, वोट मांगेंगे बीजेपी के लिए, और बीजेपी को 400 पार पहुंचाने का लक्ष्य है। 400 पार का लक्ष्य पूरा होता है नहीं होता, वो चुनाव के नतीजे बताएंगे। कैमरा मैन मनीष साध, भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज 18 इंडिया।